पाइपर को धूल चटाने का। हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द सैंडमैन सीजन 1 का एपिसोड 8। अगर आपने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, जाके देखें, तभी आपको ये एपिसोड अच्छे से समझ में आए। और अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि रोज वॉकर दिन में चलते चलते मॉर्फियस के दुनिया में चली गई, और जब ड्रीम और लूसियन दोनों बातें कर रहे तो वहाँ पहुँच जाती है। उसे देखकर ड्रीम उसका स्वागत करता है, लेकिन लूसियन उसे वापस जाने के लिए कहती है। तब ड्रीम उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, जिस पे रोज वॉकर उसे जवाब देती है कि उसने उसके भाई के बारे में उन दोनों से बात करते हुए सुना, जिसके कारण वो उसकी आवाज को पीछा करते हुए वहाँ पहुँची। ड्रीम उसे बताता है कि तुम एक एन्यूलेट हो, यानी कि एक सपनों का भंवर जो किसी के सपनों में आ जा सकती है, और तुम्हारे पास ये पावर है। और वो ये भी बताता है कि अगर तुम मेरे सपनों में आ सकती है, यानी कि मेरे सपनों की दुनिया में आ सकती है, इसका मतलब है कि तुम भी अपने भाई को ढूंढ सकती है, जो कि अभी मेरे किसी बुरे सपने के साथ है, जिसका नाम गोल्ड। ड्रीम उसे उसका भाई जेड को ढूंढने के लिए, उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसे बोलता है कि अगली बार जब तुम सपनों में जाओगी तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और मेरी जगह मैथ्यू तुम्हारे साथ रहेगा। फिर वहां से रोज वॉकर चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि गोल्ड, जो कि एक शेप शिफ्टर है, उसके भाई जेड के सपनों में उसकी माँ का रूप लेके आती है और उसके साथ सुपर हीरो वाला गेम खेलती है। लेकिन उसी दौरान जेड की नींद खुल जाती है और वो खुद को स्टोर रूम में पाता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, उसका फोस्टर पेरेंट जेड को पूरी तरह से मारते पीटते हैं, इसलिए वो उसे बेसमेंट में बंद करके रखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोज वॉकर सुबह उठती है, उठने के बाद वो यूनिटी से, यानी कि अपनी नानी से बात करती है और उसे बताती कि उसे वहाँ थोड़े दिन और रुकना पड़ेगा, इससे वो तैयार हो जाती है। और यूनिटी उसे बताती है कि एक नौजवान रिपोर्टर उससे उसके बारे में इंटरव्यू लेने आए, और उस वक्त हमें पता चलता है कि वो रिपोर्टर कोई और नहीं बल्कि कोरिंथियन है, जिसे उस वक्त पता चल जाता है कि रोज वॉकर अभी फ्लोरिडा में है। और फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि एक तरफ लाइडा अपने हस्बैंड हेक्टर से बातें कर रही है, जहाँ हेक्टर उसे बताता है कि वो उसके लिए घर बना रहा है, जो हमेशा वो दोनों बातें किया करते थे, वो और उसके बच्चे के बारे में। उसी दौरान रोज ने अपने भाई का पुरानी फोटो को प्रिंट करके सारी तरफ चिपकाने के बारे में सोच रही थी, जिससे उसके भाई के बारे में पता चल जाए, और वो अपने केयर टेकर और आसपास के पड़ोस में जो भी है उसकी मदद लेती है। फिर वो लाइडा से जाके कहती है कि वो उस लेडी ऑफिसर से बात करे जिसके पास उसकी भाई की जानकारी है। और एक तरफ ड्रीम लूसियन से पूछता है कि क्या हमारे पास रोज वॉकर और जेड वॉकर के बारे में इतनी ही जानकारी है। तब लूसियन उसे बताती है कि जब वो कैद हो गया था, उस समय जितने भी सोए हुए लोग थे सभी लोग अघोर निंद्रा में चले गए, लेकिन उस सभी लोगों में से एक लड़की जिसका नाम यूनिटी था वो बच गई थी, और जब आप आजाद हुए तो वो भी उस निंद्रा से जाग गई थी। लेकिन अजीब बात यह है कि रोज वॉकर उस यूनिटी की नाती है, और जिस पर लूसियन को उसे शक है। तब ड्रीम उसे बताता है कि सपनों का भंवर बनते नहीं है, वह एक प्राकृतिक देन है, वो कई सालों में एक बार आते हैं, हमें रोज वॉकर से डरने की कोई जरूरत नहीं। और यह कहकर ड्रीम वहां से चला जाता है। वहीं सुबह होने के बाद लाइडा उस लेडी ऑफिसर के पास जाती है और उसे पिछली बार की बदतमीजी के बारे में उसे माफी मांगती है, और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो भले ही रोज वॉकर को उसके भाई के बारे में ना बताए, लेकिन कम से कम एक बार जाके उस फोस्टर पेरेंट से कन्फर्म कर ले कि वो सही है या नहीं, वो ठीक ठाक है कि नहीं, और यह कह के वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी ऑफिसर उसके फोस्टर पेरेंट्स के यहाँ कॉल करती है और जेड से मिलने की इच्छा जाहिर करती है। तब उसकी आंट, यानी कि जेड की आंट क्लैरिस, अपने हस्बैंड को ये बात बताती है। तो उसका हस्बैंड ब्रैंड जेड को कहता है कि अगर तुम अच्छे बच्चे की तरह मेरा कहना मानोगे तो मैं आज तुम्हें अच्छा खाना और तुम्हें तुम्हारे कमरे में सोने दूंगा, और उसे तैयार होने के लिए कहता है। लेकिन उसी दौरान जेड एक पेन और पेपर को उठा लेता है और उस पे हेल्प लिख लेता है, और जब वो लेडी ऑफिसर आती है तो चुपके से उस नोट को वो उसके बैग में डाल देता है, फिर वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ रोज वॉकर उस पैम्पलेट को लेके सभी जगह बांट रही है, और
लोगों से अपने भाई के बारे में पूछ रही। वहाँ हमें क्रोंथियन भी दिखाई देता जो उस पैम्पलेट को लेकर वहाँ से चला जाता, जिसके बाद वो उस पैम्पलेट को लेकर उस लेडी ऑफिसर के ऑफिस में जाता और उससे पता पूछता और उसे मार देता। और फिर रात होने के बाद जब रोज वॉकर सो जाती तो वो अपने केयर टेकर, अपनी पड़ोसी और अपने दोस्त लाइडा के सपनों से होके मॉर्फियस से मिलती है। यहाँ वो उसे पूछती है कि ऐसा क्यों है, मैं इन सभी के सपनों में क्यों। वो ड्रीम उसे बताता है कि तुम एक सपनों का बावर हो और तुम अपना रास्ता इन्हीं के सपनों से बना रही, ये तुम पे निर्भर करता है। तब वो अपने भाई के फोटो को देख एक नए रास्ता को चुनती है। वो उसे ये भी पूछती है कि सपनों का भंवर क्या कर सकता है। अब ड्रीम उसे बताता है कि एक सपनों का भंवर दुनिया को सपने दिखा सकता है और उसे पूरा भी कर सकता है। उसी दौरान रोज अपने आस पड़ोस ब्रैड, जेल्डा, लाइडा सभी के सपनों में जाती और उन्हीं सभी के सपनों के थ्रू वो अपने भाई जेड के सपनों में चली जाती है, जहाँ दूसरी तरफ गोल्ड उसकी माँ का रूप लेके उसे सुपर हीरो का गेम खेल रही थी। और उसे वहाँ ड्रीम दिखता है जिसपे वो जेड को बताती है कि वो उसे अलग करने के लिए आई है और उसे वहाँ से लेके चला जाएगा। तब जेड ड्रीम से लड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर जाने पर वो अपनी बहन रोज को पहचान लेता है और गोल्ड भी वहाँ आ जाती है और उसे अपना असली रूप दिखाती है। जिसके बाद ड्रीम गोल्ड को वहाँ से लेकर चला जाता है और रोज अपने भाई जेड से उसे उसके बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, वो अभी कहाँ है। तब जेड उसे बताता है कि वो अपने अंकल आंट, अंकल ब्रैंडी और आंटी क्लैरिस के साथ होमलैंड में। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रोज की तरह लाइडा सपनों में हेक्टर से मिलने आती है और आज भी वो उससे बातें कर रही है। फिर और एक तरफ ड्रीम गोल्ड को लेकर चला जाता है और रोज वॉकर नींद से उठ जाती है। उठने के बाद वो सबसे पहले अपने भाई का पता लगाती है और उसे वो पता मिल भी जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि लाइडा जब वो नींद से उठती है तो वो देखती है कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि उसने ये सपने में देखा था और वो सच हो गया है। इसका मतलब ये सब का कारण रोज ही थी, रोज के कारण ही ये सब सच हो रहा था। और गोल्ड को अपने साथ ले जाने के बाद ड्रीम गोल्ड को खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नींद से जागने के बाद जेड अपनी बहन का नाम लेके चिल्ला रहा है और उससे गुस्सा होके उसके अंकल ब्रैंडी उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसी दौरान डोरवेल बजती है और वहाँ कोरिंथिन आके उसके अंकल ब्रैंडी और आंट क्लैरिस को मार देता है और जेड को आजाद करके उसे अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि वो उसे उसके बहन के पास लेके चला जाए। और फिर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।